Good morning, class. Good morning, Ben. में बताइए भाई मैडम दूसरी चैनल खड़ा है यार जुड़े हम दूसरी चैनल पर खड़ा है आपने क्या बहादुरी का काम किया है मैंने एक लड़के को बचाया है कैसे बचाया पूरी स्टोरी बताइए मैं जब मैं मेरे घर पढ़ाई कर रहा था तो दो लड़कों की रमने गए खेलने गए थे तो इसी में से एक लड़का कुएं में गिर पड़ा और दूसरे चिल्ला कर आता था मैंने इसे रोक कर पूछा क्यों चिल्ला रहे हो ऐसा मैंने इसने कहा है मेरे मित्र कुएं में गिर पड़ा है मैं जल्दी कुएं के पास जाकर देखा तो उसका बाल दिखा रहा था और थोड़ा सा हाथ दिखा रहा था मैंने कुएं में ड्राई लगा कर उसको पकड़ लिया और ऊपर लिया तो आप में इतनी हिम्मत कैसे आई आप इतना बड़ा काम कर पाए नीचे कुएं में चले गए कैसे ये सब कुछ कर पाया आपने डर नहीं लगा आपको अंदर जाते हुए नहीं डर लगा आप इस वीरता पुरस्कार को मिलने के बाद कैसा फील कर रहे हैं या अभी जो मिलने वाला है तो आपको कैसी उम्मीद है क्या होने वाला है आगे कैसा लग रहा है और जब आपको पहली बार मालूम पड़ा कि आपको वीरता पुरस्कार मिलने वाला है तब कैसा रहा कैसा लगा बहुत अच्छा आप सरकार से कोई और सहायता चाहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है तो आप अपनी पढ़ाई के लिए चाहते हैं कि सरकार आपको हेल्प करे बाल गुरु से बात करने के लिए मैं अखिल हूँ मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ मैं पिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ 11th क्लास आपने क्या बहादुरी का काम किया है मैं अपनी मम्मी को बचाया है इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचाया पूरी स्टोरी बताइए मेरी मम्मी घर साफ कर रहे थे और पानी के साथ और जब हमारे घर पे इन्वर्टर था वो खराब था तो वो डाइनिंग टेबल नीचे था मेरी मम्मी डाइनिंग टेबल को हटा के इन्वर्टर के वायर को टच करी क्योंकि वो खराब है उनके और वो जब टच करे थे उनको वो करंट पास होने लगा और वो फ्यूज हो गए और मेरे डैडी और फ्रेंड भी घर पे थे और वो दोनों भी पानी में थे इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने शाउट किया मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में था मैं नीचे से भाग के आया आके मैंने देखा था मैं सोचा कि मेरी मम्मी का सिर पे मार लगा उनको टच किया और जब मैंने उनको टच किया था मैं पीछे थ्रो बैक हो गया उसके बाद मैं रियलाइज़ हुआ कि वो शॉक लगा और मैं शाउट किया मेंस का वायर मेन का स्विच ऑफ करो पर वो ऊपर था वो उसको ऑफ करने के लिए टाइम लग रहा था तो इसलिए मैं एक वाइपर लेके वो वायर को हटा दिया तो आपको डर नहीं लगा ये सब कुछ करने से पहले ये इतनी हिम्मत कैसे आई आप में मैं वो सब सोचा नहीं एक्चुअली वो सिर्फ मेरा काम था मेरी मम्मी को बचाना वो ही करना तो आपको क्या लगता है कि इस वीरता पुरस्कार मिलने के बाद आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आएगा हाँ आएगा किस तरीके का परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं आप मैं सोच रहा हूँ कि वो अवार्ड आना ही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है बहुत खुश हूँ उससे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से या सरकार से कुछ और चाहते हैं जो आपके लिए करे कोई सहायता बाल गुरु से बात करने के लिए थैंक यू जी मेरा नाम सलाम साहब मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला सरायथन आपने क्या बहादुरी का काम किया है जी छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा जो है महानदी उसके सबसे लंबे पुल में बहुत ही भीषण बाढ़ आई हुई थी और छत्तीसगढ़ का पूरा फोर्स वहाँ पर लगा हुआ था तभी एक बाइक सवार व्यक्ति उधर से गुजर रहा था और मैं स्कूल से घर की ओर लौट रहा था और उसके पानी का बहाव था वह गिर कर बहने लगा और दोनों हाथ पर जाने लगा उसकी आवाज़ सुनकर मैं उससे रहा नहीं गया और मैं उसको बचा तो आपको डर नहीं लगा एकदम से पानी में घुसकर इतनी हिम्मत कैसे आई नहीं उस टाइम डर नहीं लगा क्योंकि वह चिल्ला रहा था उसकी जो आवाज़ मेरे कानों में गिरी कोई उसको बचाने के लिए नहीं गया लेकिन मैं तो आपको ये जो वीरता पुरस्कार मिलने वाला है इसके बाद आपको क्या लगता है आपके जीवन में किस तरीके का बदलाव आ रहा है या आने वाला है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे जाकर देश की सेवा क्या बनना चाहते हैं आगे आप देश की सेवा कर पंडित में रहना आपको सरकार से कोई और मदद चाहिए क्या जी सरकार से यही मदद चाहिए कि मुझे पंडित में ले जाने के लिए बालगुरु से बात करने के बारे में बताएं
मेरा नाम मोहित है, मैं मुंबई से हूँ। ये कह सकते हैं कि आम बच्चा नहीं है, मेरे स्कूल में पुरस्कार मिल रहे करके मैं एक लड़की जान बचा ये 25 फीट की दूरी थी, इसलिए उसको मालूम था आगे डीप में करके वो डूब रही थी, तो मैं जाके बच्चा नहीं। तो आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में है? और कौन सी क्लास में? 8 में। आपने कैसे इतना साहस का काम कैसे किया? उसको मालूम नहीं था ना आगे डीप है, तो मैं उधर ही दे रहा था, देखना बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं उधर ही था, तो उसको मैं देख गया, तो उसने जल्दी जाके डाइव मारा। और आपको क्या लगता है कि इस वीरता पुरस्कार मिलने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? अच्छा, आप सरकार से कुछ और चाहते हैं जो आपके लिए करे सरकार? बस हो गया, इतना किया तो बस हो गया। मैं जोहिना चक्रवर्ती क्लास 7th में पढ़ती हूँ। आपने क्या बहादुरी का काम किया है? मैंने अपने पापा का मोबाइल लेके भागने वाले एक स्नैचर को पकड़ा। इस घटना को पूरा सही तरीके से बताइए, कैसे किया आपने ये सब कुछ? मैंने हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पर एक डिवाइडर था रोड क्रॉस करने में, तो वहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई थी, हम लोग वहाँ पर जा ही रहे थे मैकडॉनल्ड के शॉप में आगे, तो वहाँ पर एक दो लड़के हम लोग को आदमी घेरने लगे, तो हम लोग उतना माइंड नहीं किए। उसके बाद मेरे पापा चिल्लाए मोबाइल, तो जो एक आदमी चल रहा था वो भागने लगा, तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी, वो टेढ़े मेढ़े भाग रहा था, तो मुझे लगा मुझे सीधे जाना चाहिए, तो मैं भाग ही रही थी उसके पीछे। आगे एक ट्रैफिक पुलिस था और रोड के उस तरफ एक गली में, मुझे लगा वो गली में जाएगा, ट्रैफिक पुलिस समय नहीं जाएगा, तो मैं उससे पहले गली में पहुंची और कूद के उसका पैर पकड़ी और हेल्प हेल्प चिल्लाई, तो वहाँ के सारे लोग ही मेरी मदद करने आ गए। और आपको क्या लगता है इस वीरता पुरस्कार मिलने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया अभी तक? मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी अभी देखा जाएगा, जब वीरता पुरस्कार मिल जाएगा तो फिर उसके बहुत सारे अच्छे फायदे भी हैं। तो आगे आप सरकार से कुछ और मदद चाहते हैं? जी, मैं अपने भाई के लिए, मेरा भाई जो है 80% ब्लाइंड है, मतलब दिव्यांग है, तो मैं मेरे भाई और अन्य वैसे ही बच्चों, हमारे भारत में ऐसे कई बच्चे होंगे, तो मैं वैसे ही बच्चों के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ चाहती हूँ। बाल गुरु से बात करने के लिए।